हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 4 है और यहाँ पे दिया हुआ एपी में 3A 13 और 18 दिया हुआ है। इसमें बताना कौन सा पद 78 है, यानी आगे और लोग बढ़ते चला जाएगा एपी तो 78 आएगा, तो कहाँ पे आएगा 70, कितना नंबर में आएगा वो हमें बताना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं या फिर सोल्यूशन। और सबसे लिखते हैं पहला पद क्या 3 है, तो यहाँ लिखते हैं A = 3। अब उसमें क्या है हमको डी निकालना, दूसरा डी क्या होता है सारा अंतर होता है, या डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 - A1। जब A2 में से A1 को घटाएंगे तो डी निकल जाएगा। तो डी क्या है, A2 कितना है 8 है, माइनस A1 कितना है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो डी कितना निकल गया 5, और बाकी तो यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। हम क्या निकालना कौन सा पद 78 है, तो यहाँ लिखते हैं माना कि एनवा पद, क्या लिखते हैं माना कि एनवा पद 78 है, ये हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यानी An = क्या निकालना है 78, यानी एन का मान हमें निकालना है, ठीक है एनवा पद यानी एन निकालना हमें कितना है। तो ये क्या जो एन का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम इसमें बैठाएंगे और निकालेंगे। तो एन बराबर क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला में किनारे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, An = A+(n-1)(d)। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे इसको हम सेट करते हैं, ठीक है। तो An का जगह कितना दिया हुआ है यहाँ पे 78 दिया हुआ है, = फॉर्मूला क्या है An = A+(a+n-1)(d)। ये फॉर्मूला है, इसी में हमें सेट करना है। 78 की जगह हम यहाँ पे 78 लिखते हैं, = A का मान हमारे पास कितना देख सकते हैं 3 है, तो 3 लिखते हैं प्लस n-1, n तो हमें निकालना है इसलिए n-1 यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे d है, d का मान तो आप निकाल चुके हैं क्या 5 है, तो 5 लिखते हैं। अब इसे सॉल्व कर देंगे आंसर हमारा निकल जाएगा, तो 78 की जगह 78 लिखते हैं, 3 की जगह 3 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 5 को n से इंटू करेंगे कितना जाएगा 5n माइनस 5 को फिर 1 से इंटू करेंगे तो 5 ये हो गया। फिर से लिखते हैं 78 और इसको सॉल्व करते हैं 3+5n और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जैसे कि ये क्या -5 है और ये प्लस में 3 है, तो इसको क्या करते हैं हम फिर से इसको लिखते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम केवल यहाँ पे 5n पहले लिख देंगे और ये 5 है माइनस मान ये प्लस में, तो 5 ये बड़ा है 5 में से माइनस चिन्ह तो छोटा कर लाता, पर यहाँ पे क्या हम घटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा 5 में से बड़ा कितना आएगा 2 आ जाएगा, पर तो यहाँ पे बड़ा कौन है 5 और उसमें कौन सा माइनस है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा यानी -2 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब क्या करेंगे सबसे पहले हम 78 को यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे क्या है -2 है, इधर जाएगा तो क्या होगा +2 हो जाएगा, बराबर के नीचे चढ़ गया तो +2 हो गया यानी 2 हो गया, और यहाँ कितना 5n है, तो यहाँ पे 5n लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कितना जाएगा 5n = 78 में तो जोड़ देंगे कितना होगा 78 × 79 = 80, कितना जाएगा 80, तो 5n = कितना लगेगा 80, इसलिए n = कितना निकल जाएगा 80/5 यानी 80/5 5 से इसको डिवाइड दे देंगे 5 के पार पड़ेंगे ना कितना बार कट जाएगा 5 के 5 एक हुआ है 5 में 10 दो बार में ज्यादा, इसलिए 8 को हम जब डिवाइड देते हैं 5 के 5 3 बच जाता है और 0 कितना हो गया 30 5 6 30 यानी 16/5 80 होता है हम जानते हैं, 5 से जब डिवाइड देंगे कितना आएगा 80 को तो 16 आएगा, तो n = कितना निकलेगा 16। तो हम क्या निकलते हैं माना कि nवां पद 78 है, यानी कितना पद है 16वां पद, तो कितना हो जाएगा 16वां, यानी देंगे 16वां पद 78 है, ये हो गया आंसर। इस तरह से हम देखते कितना आसानी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर जो साइन है वगैरह है वो अपने अनुसार आप दे सकते हैं या भी लिख सकते हैं, ये रिप्लाई का साइन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और आज का आगे का जो मैथ है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।